ये अनशन, ये टेंशन, विवादों का इंडिया। असल में ये आम आदमी पार्टी के कार्ड कैरिंग मेंबर हैं। मैंने भी 49 डेज के बाद रिजाइन कर दिया था। ये नेहरू के नॉनस्टॉप औलादों का इंडिया। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर बीजेपी एंड दिस वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट द विजन ऑफ दैट वन मैन, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क ऑफ दैट वन मैन राहुल गांधी। उसके होने की वजह से ऐसा था, इफ ही वॉज देयर डेफिनेटली, मतलब उसके सामने पोंटी चड्डा भी पार्टी खड़ी करता ना, अ डेड पोंटी चड्डा। ओके, ये शादी के बासी सलादों का इंडिया। भूखे नंगे देश में प्रोग्राम दिखा रहे हैं मैन वर्सेस फूड। हम ये सोचते हैं कि फूड के लिए लड़ाई हो रही है, जबकि वहां पे हो ही रहा है कि एक बंदा जो है ये बैठ के मतलब 10-15 आदमियों का खाना खा रहा है। हमको दिखा रहे हैं ये, जहां पे 43% बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार है। ये इंडिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और नाइजीरिया किचन भी बेइज्जती करती है सर, उसमें ऐसी ऐसी सब्जियां लेके आती है, वो एस्परेगस क्या होता है यार। हमें क्या पता, हम गाजियाबाद में रहते हैं, मैं कहां ढूंढने जाऊं एस्परेगस। ये इंडिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। सारी टेक्नोलॉजी लग रही है कि एक भूखे मोटे आदमी को पिज्जा कैसे जल्दी से जल्दी डिलीवर किया जाए, वो ड्रोन से पिज्जा। बट इट मेक सेंस, आई थिंक सम हाउ इट मेक सेंस दैट एन अमेरिकन थिंग दैट किल्स इज बीइंग डिलीवर्ड बाय एन अमेरिकन थिंग दैट किल्स। इंडिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। आईपीएल दिखा के सुला दो ये इंडिया, पिज्जा खिला के भुला दो ये इंडिया। मैं भूल चुका हूँ, तुम भी भुला।